अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तीन फ़ोन आपको आज बताने वाला हूँ जिनकी प्राइस कम की गई है पाकिस्तान के अंदर, और क्या इनको बाय करना चाहिए, ये प्राइस क्यों कम की गई है। अगर आप दो मंथ या एक मंथ का वेट करते हैं तो इससे अच्छे ऑप्शन के आपको मिल जाएंगे, साथ में अपना ओपिनियन भी देने वाला हूँ। इधर जो पहला फ़ोन है वो शोमी का है, मी 10T वाला, जो कि 8GB रैम वाला वेरियंट है। इसकी प्राइस 5000 रुपये कम की गई है, 64000 तक इसकी ऑफिशियल प्राइस है, और ऑफलाइन आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाएगा। इस वाले फ़ोन के अंदर LCD वाला डिस्प्ले है, 144 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ आता है, फुल HD प्लस की रेजोल्यूशन है, 8GB रैम, 128GB की स्टोरेज है, उसमें स्नैपड्रैगन 865 वाला इसमें चिपसेट है, जो कि 7nm टेक्नोलॉजी वाला है, एक काफी फ्लैगशिप किस्म का 4G चिपसेट है ये, और इसमें LPDDR5 वाली रैम है। ये इधर आपको काफी बड़ा फर्क देखने को मिलता है। बैक पे तीन कैमरे हैं, 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलता है, 5000mAh की इसमें बैटरी है, 33 वाट का फास्ट चार्जर है, लेकिन ये इतनी आसानी से प्राइस भी नहीं कम करते। अभी ये पुराना हो चुका है थोड़ा, और लेटेस्ट फोन आने वाला है इसकी जगह पोको F3 वाला, मैं सजेस्ट करूंगा उसका वेट कर लें, क्योंकि उसमें AMOLED डिस्प्ले है और प्राइस भी इसी तरह की आपको मिल सकती है, यानी 60,000 के पास या इससे कम प्राइस में भी आ सकता है, तो इसीलिए आप वेट करेंगे तो ज्यादा बेटर आपके लिए रहेगा। नेक्स्ट जो फोन है जिसकी प्राइस भी 5000 तक कम की गई है, ये वीवो V20 वाला है। तो इस सीरीज के अंदर भी नया फोन आने वाला है, इसीलिए ये प्राइस कम करते हैं। आपको जो फ्रंट कैमरा मिलता है ना, वो बहुत ही कमाल का है, 44 मेगापिक्सल का है, और काफी अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ है, एक फ्लैगशिप किस्म की आपको सेल्फी लेने का इसमें ऑप्शन मिल जाता है। 64 मेगापिक्सल का बैक पे मेन कैमरा है, तीन कैमरे बैक पे मिलते हैं, स्नैपड्रैगन 720G वाला चिपसेट है, 8GB रैम, 128GB के साथ ये आता है, 4000mAh की बैटरी है, 33 वाट का फास्ट चार्जर है। इसकी 55,000 प्राइस है, लेकिन ऑफलाइन आपको डिस्काउंट भी मिलेगा 2-3 हजार तक का, तो 50,000 तक अगर आपका बजट है, तो वीवो का कोई फोन लेना है तो ये एक अच्छा ऑप्शन हो चुका है, लेकिन सजेस्ट मैं करूंगा कि वेट करें, क्योंकि एक मंथ बाद इनकी इस सीरीज के अंदर नया फोन आ सकता है, वीवो V21 वाला। नेक्स्ट फोन है इन्फिनिक्स नोट 8 वाला, इस पे भी ऑलमोस्ट 5000 तक का डिस्काउंट है, जिससे भी ज्यादा आपको मिल जाएगा 6-7 हजार तक का भी, 34,000 तक ये फोन आपको ऑफलाइन मार्केट में डिस्काउंट के साथ मिल जाता है। ये वाला फोन इनका इतना ज्यादा हिट नहीं हुआ, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर आपको इससे भी पावरफुल फोन मिल जाते हैं। इस वाले फोन में MediaTek G90T वाला चिपसेट है, 8GB रैम, 128GB की स्टोरेज है, कैमरा भी काफी ठीक है, 64 मेगापिक्सल का है, और सोनी का लेंस है IMX682 वाला, 4500mAh बैटरी है, 33 वाट का फास्ट चार्जर है, लेकिन इसकी जगह एक किलर ऑप्शन आपको इसी मंथ में मिलने वाला है, पोको X3 प्रो वाला, जो फ्लैगशिप किस्म के प्रोसेसर के साथ आ रहा है, स्नैपड्रैगन 860 वाले, प्राइस उसकी 38,000 तक ऑफिशियल होने वाली है, जो कि काफी किल कर सकते हैं मार्केट को, तो आप वो वाला फोन ले सकते हैं इस प्राइस रेंज के अंदर। तो ये दोस्तों तीन फोन थे जिनकी प्राइसेस पाकिस्तान में कम की गई हैं, और मुझे इनकी कोई समझ नहीं आई अब प्राइस कम करने का क्या फायदा, जब इतने ज्यादा ऑप्शन आपको और मिल रहे हैं। तो आने वाले दिनों में आपको बहुत अच्छे अच्छे फोन मिलेंगे कम प्राइसेस के अंदर, जिनकी शुरुआत आपको अप्रैल के मंथ में ही होती दिखाई देगी। तो जैसे नए फोन आएंगे अच्छी प्राइस के साथ, आपको मैं जरूर बताऊंगा। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, कोई भी क्वेश्चन कमेंट में पूछ सकते हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया हुआ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।